मैं आपको राजनीति सुधारकों के इस ट्रेनिंग में राजनीति सुधार के टिप्स पर अब कुछ इंटरनेशनल बात करूं। आप कहेंगे सर देश के अंदर ही सुधार कर लें। देश के अंदर ही सुधार करने का ऐसा मतलब है जैसे कोई कहे कि अपने घर के अंदर ही सब ठीक कर लो, पड़ोसी को देखने की क्या जरूरत। आप अपने घर में अगरबत्ती जला दो, महकेगा घर, लेकिन घर के बाहर कोई कुत्ता मार के डाल दो, एक घंटा दो घंटा एक दिन दो दिन बाद वो कुत्ते की लाश इतनी दुर्गंध देगी कि आपकी अगरबत्ती फेल हो जाएगी। आपके घर के अंदर सुगंध बनी रहे इसके लिए जरूरी है कि आप बाहर देखो कि कहीं कुत्ता मार के तो कोई नहीं डाल रहा। केवल देश के अंदर सुधार करके आप सोचते हो कि देश के लोग सुखी हो जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। जो पड़ोसी देश हैं वो गलत करेंगे तो उसका असर आपके देश पे पड़ेगा। आपने अपने देश में कानून बना दिया कि जो आदमी गलत ढंग से पैसा कमाएगा उसको पुलिस जेल में डाल देगी। और सिंगापुर, दुबई, स्विट्जरलैंड, इन लोगों ने क्या कानून बनाया? इन्होंने ये कानून बना दिया कि कोई आदमी गलत पैसा लाके हमारे यहां रख देगा तो पूरा सुरक्षा दूंगा, ब्याज भी दूंगा। आपने ये बना दिया कि लूट मार का, चोरी का, भ्रष्टाचार का पैसा जो रखेगा उसको जेल भेजा जाए और पैसा वसूल लिया जाएगा। दूसरे देश ने क्या कानून बनाया कि तुम चाहे लूटो मारो चोरी करो भ्रष्टाचार करो डकैती करो, तुम पैसा ले आओ हमारे यहां रख दो, बस सुखी रहो। अब आपके घर में डकैती कैसे रुकेगी, आपके घर में चोरी कैसे रुकेगी, आपके घर में भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा, मुझे बताओ। अब आपको देश के साथ साथ दुनिया में सुधार करना पड़ेगा। आप एक ऐसी सरकार बनानी पड़ेगी, एक ऐसी पुलिस बनानी पड़ेगी कि चोरी का माल भ्रष्टाचार का पैसा रखने वाला चाहे अपने देश में रहे चाहे दूसरे देश में, पुलिस कहीं से भी पकड़ ले। पूरी दुनिया की एक पुलिस होनी चाहिए। अगर चोरी करने वाला डकैती करने वाला इंडिया में माल रखा है तो पकड़ा जाए और दूसरे देश में रखा है तो पकड़ा जाए। लेकिन आज ये जो चोरी करने वाले, डकैती करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, घोटाला करने वाले दूसरे पूरी दुनिया में घूमते हैं और पुलिस केवल सीमा तक जाएगी, बाउंड्री तक, बाउंड्री के बाद पुलिस बाहर वापस। मतलब अपराधी ग्लोबल है और पुलिस लोकल है। आतंकवादी ग्लोबल है, कहीं भी जाके बम फोड़ देता है, अब भागता है पुलिस दौड़ाती है, तो पुलिस को हवाई अड्डे पर रोक लेते हैं, अपराधी को कहते हैं जा। जूता पहनने वाले आदमी को कहते हैं कि देखो भाई आप जूता हवाई जहाज पर रख दो, ये चला जाएगा। क्योंकि जूता पूरी दुनिया में घूम सकता है, इसके कानून है। टमाटर घूम सकता है, आलू घूम सकते ही, जूता घूम सकता है, सामान घूम सकता है, इंसान नहीं। अकाउंट पूछते हैं तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा है, 20 लाख है, 50 लाख है? अगर 50 लाख है तो वीजा मिलेगा, दूसरे देश में जा पाओगे, नहीं है तो वहीं रखो। इसके बाद क्या कहेंगे, दूसरे देश में सामान सस्ती जानी चाहिए, इसके लिए देश के अंदर गुलामी बनाओ। अब या तो सारे देशों में मजदूरी बढ़ाई जाए या किसी देश में ना बढ़े। तो अब मजदूरी किसी देश में कम है किसी देश में ज्यादा है, तो मजदूरी कोई ज्यादा नहीं कर सकता, कम ही रखना पड़ेगा। इसके लिए दुनिया के हर देश की सरकार अपने अपने देश में गरीबी बना के रखती है। क्यों? क्योंकि पड़ोसी ने बना के रखी हुई। अब जब तक सारे देश अपने अपने देश से गरीबी खत्म करने के लिए राजी नहीं होंगे तब तक गरीबी नहीं जाएगी। तो देश के अंदर सुधार करके बहुत ज्यादा हासिल होने वाला नहीं है। सुधार विश्व स्तर पर भी करना पड़ेगा। इसके लिए ये जो वोट का अधिकार है इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो। अब ये लोगों को छूट मिलनी चाहिए, लोग देश के स्तर के इलेक्शन में वोट देंगे कि या पड़ोसी देशों की साझी सरकार बने उसमें वोट देंगे या आधे संसार की सरकार बने उसमें वोट देंगे या पूरे संसार की एक सरकार बने उसमें वोट देंगे। ये लोगों के ऊपर छोड़ना चाहिए। जिनको अपने प्रदेश में वोट देना है उनको प्रदेश में देने दो,
और जिनको पूरी दुनिया भर के इलेक्शन वोट देना है उनको अधिकार दो। वोट के अधिकार का ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, वोट के अधिकार का इंटरनेशनलाइजेशन होना चाहिए, वोट के अधिकार का वैश्वीकरण जगतीकरण होना चाहिए। और जब तक नहीं होगा तब तक गरीबी, गुलामी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, महंगाई, बेरोजगारी, कुपोषण, ये सारी बीमारियां बनी रहें, क्योंकि ये सारी बीमारियां इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय। और वोट के अधिकार के साथ एक और बात चुनी है, चुनाव लड़ने का अधिकार। पंजाब के आदमी डॉक्टर मनमोहन सिंह आसाम आए और असम से इलेक्शन लड़े और दिल्ली में प्रधानमंत्री बने। पंजाब का आदमी असम में आके चुनाव लड़ सकता है, लेकिन क्या पाकिस्तान का आदमी इंडिया में आके इलेक्शन लड़ सकता है? बांग्लादेश का आदमी इंडिया में आके लड़ सकता है? या इंडिया का आदमी बांग्लादेश में जाके लड़ सकता है? या इंडिया का आदमी अमेरिका में जाके इलेक्शन लड़ सकता है? क्या नहीं लड़ सकता? जिस तरह पंजाब का आदमी आसाम में इलेक्शन लड़ सकता है और आसाम का आदमी दिल्ली में जाके इलेक्शन लड़ सकता है, क्योंकि आसाम का और पंजाब का एक सरकार दिल्ली में है, साझी सरकार। लेकिन इंडिया पाकिस्तान की या इंडिया अमेरिका की या इंडिया बांग्लादेश की कोई साझी सरकार है क्या? कहीं जब साझी सरकार नहीं है तो किस बात के लिए इलेक्शन होगा? जब आसाम और पंजाब की एक सरकार बन गई दिल्ली में, तो भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान इनकी एक सरकार बना लो, उस सरकार का इलेक्शन हो तो किसी भी देश का आदमी किसी भी देश में जाके इलेक्शन लड़े। अगर साझी सरकार हो जाएगी पाकिस्तान का और इंडिया का, तब वो सरकार पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं ना आतंकवादियों के, तुरंत वो ट्रेनिंग सेंटर बंद हो जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब सरकार बने। यूरोप के 27 देशों की एक सरकार बन गई है, चल रही है। जब 27 देश की एक सरकार चल सकती है तो भारत पाकिस्तान की सरकार क्यों नहीं बन सकती? बन सकती है। अगर बन सकती है तो वहां एक इलेक्शन कमीशन होगा जो इलेक्शन कराएगा, और जब वो इलेक्शन होगा तो इंडिया का आदमी पाकिस्तान में जाके इलेक्शन लड़ेगा, पाकिस्तान का आदमी इंडिया में लड़ेगा, इंडिया का बांग्लादेश में जाके लड़ेगा, बांग्लादेश वाला इंडिया में लड़ेगा। और ये जो आसाम में कहते हैं आसामी बांग्लादेशी आ गए, कहते हैं अगर कोई बांग्लादेश का आ गया है गरीब आदमी, तो वो जो नई सरकार बनेगी उसका वोटर बना दो, आसाम की नागरिकता उसकी बंद कर दो, इंडिया का आदमी नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, दक्षिण एशिया का नागरिक रहेगा वो, तो तकलीफ खत्म, समस्या खत्म, मार काट खत्म। आप 50 लाख 1 करोड़ आदमी को जेल में रखोगे क्या? हम ये कहते हैं कि दक्षिण एशिया की सरकार बना दो। और ये बांग्लादेश वाले जहां रह रहे हैं जिस कुटिया में, उसी कुटिया में रहने दो, जो काम कर रहे हैं करने दो, जैसे खा रहे हैं खाने दो। दक्षिण एशिया की सरकार जरूरी है। और इसी तरह से भारत, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान की एक सरकार जरूरी है। पूरब की धरती की एक सरकार, पश्चिम की धरती की एक सरकार, जिसको हम कहते हैं प्रराष्ट्रीय सरकार, हेमी नेशनल सरकार। ये सरकार क्यों? क्योंकि दुनिया के परिवारों की देखरेख के लिए एक सरकार चाहिए, फैमिली गवर्नमेंट। मैंने पहले दिन बताया था ट्रेनिंग कि जब तक परिवारों की सरकार नहीं बनेगी ये परिवार दुखी रहेंगे। आज किसकी सरकार है? देश की, प्रदेश की, परिवार की कोई सरकार नहीं। एक ऐसी सरकार बननी चाहिए, बल्कि दुनिया में दो सरकार, एक पश्चिमी संसार के लिए, एक पूर्वी संसार के लिए, दो प्रराष्ट्रीय सरकार बननी चाहिए, जिनका काम होगा केवल परिवारों का विकास। और पूरे संसार की एक और सरकार बने सबसे टॉप पर, 5वें मंजिला पे, वो होगी दुनिया की सरकार। और दुनिया की सरकार क्या करेगी? वो पूरे दुनिया के नागरिकों का विकास करेगी, देश का विकास नहीं, नागरिकों का, इंसान का विकास। और इनका रिश्ता इस तरह बना दो, 10 अंगुली 10 पेट, ये क्या है? आदमी। अब इनकी सरकार विश्व में, वर्ल्ड में, इनको ऐसे जोड़ दो। अब ये क्या है? परिवार। इनको कहां जोड़ दो? आधे संसार में ऐसे। और ये कौन है? गांव।
गांव के कौन सरपंच, इनको कहां जोड़ दो वतन से, दक्षिण एशिया की सरकार से, और ये कौन है ब्लॉक, ये ब्लॉक वाले कौन है इनको जोड़ दो इंडिया गवर्नमेंट से, ये जुड़े ही हैं, ये तो जुड़े हैं, खूब खा पी रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख बीडीओ मौज में है क्योंकि इनकी सरकार है, और ये कौन है कलेक्टर डीसी, ये कौन है इनको कहां से जोड़ दो मुख्यमंत्री के यहां से, चीफ मिनिस्टर, आ ये भी खूब मस्त हैं, इनकी सरकार डीसी साहब कलेक्टर साहब खूब खा पी रहे हैं, मौज से गाड़ी है मोटर है बंगला है, खूब मजे हैं, क्यों मजे हैं क्योंकि इनकी सरकार, तो कलेक्टर साहब मजे में हैं इनकी सरकार है, अब बीडीओ साहब मजे में हैं क्योंकि इनकी इंडिया में सरकार दिल्ली में, अब ये गांव वाले ये बेचारा दुखी, इनकी कोई सरकार ही नहीं, क्योंकि दक्षिण एशिया भारत पाकिस्तान नेपाल की सरकार बनती तो इनको मिलता कुछ खाने को, इनकी सरकार ही नहीं, अब ये कौन है परिवार, परिवार की भी कोई सरकार नहीं, तो ये मर रहे हैं, जिनकी जिनकी सरकार है वो मजे में है, जिनकी सरकार नहीं है वो मर रहे हैं, और ये कौन है वोटर, इनकी सरकार कहाँ है, कहीं है ही नहीं, तो ये मर रहे हैं, तो जिनकी सरकार है वो मौज में है, जिनकी सरकार नहीं है वो मर रहे हैं, तो जिले की सरकार है प्रदेश, ब्लॉक की सरकार है देश, अब गांव की परिवार की और इंसान की तीन सरकार और बना दो, यहां तीन गवर्नमेंट और बना दो, अगर इस तरह का तीन सरकारें और बन जाएं तो बहुत लोगों को नौकरी मिल जाएगी, बहुत लोगों की सरकारों में नौकरी मिल जाएगी, और नागरिक की सरकार वोटर की सरकार सबसे ऊपर होगी, अब जब सबसे ऊपर होगी तो बहुत पावरफुल होगी, और बहुत पावरफुल होगी तो सबको सुनना पड़ेगा उसकी बात, तब कोई नहीं कहेगा वोटरशिप नहीं दूंगा, तब ये वोटरशिप के देने की जिम्मेदारी देश की रहेगी नहीं, फिर विश्व की हो जाएगी, और जब विश्व की हो जाएगी तब वोटरशिप कितना देगी वो 5,000-6,000, तब देगी 20,000, 20,000 इसलिए देगी कि न तो सेना पे खर्च हो रहा, न लड़ाई पे खर्च हो रहा है, न झगड़े पे खर्च हो रहा, और न मुकदमा चल रहा, न आयात की चिंता, न निर्यात की चिंता, न महंगाई की चिंता, सारा पैसा बच रहा, अब वो पैसा बच गया तो वोटरों में बांट दिया, इस तरीके से एक इंटरनेशनल लेवल पर सुधार की जरूरत है, भारत के स्तर पर सुधार की जरूरत है, प्रदेश के स्तर पर सुधार की जरूरत है, जिले स्तर पर सुधार की जरूरत है, गांव स्तर पर सुधार की जरूरत है, अपने परिवार में सुधार की जरूरत है, और खुद अपने अंदर सुधार की जरूरत है।